नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से साउथ साउथ वेस्ट। अभी तक मैंने आपसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ तक बात किया, आज मैं नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये साउथ साउथ वेस्ट अर्थ है, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों अर्थ है, ये अर्थ एलिमेंट है। ये साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल एंड स्पिन नेचर। साउथ साउथ वेस्ट ये हमारे खर्चे का है, यहाँ से हम अपने खर्चे को देखते हैं। अगर साउथ साउथ वेस्ट में इनबैलेंस रहता है तो हमें प्रॉब्लम बहुत सारी देखने को मिलती है। साउथ साउथ वेस्ट स्पिन नेचर भी है, हमारे खर्चे का है, और ये आर्टिस्ट लोगों के लिए भी है, हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए है। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट सबसे अच्छी मानी जाती है, यहाँ पे अगर टॉयलेट है तो अच्छा रहता है, पर अगर यहाँ पे किचन आती है तो ऐसे घर में ये हेल्थ इश्यूज आते हैं। और साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप सोते हैं तो आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है और आप खुद कमज़ोर हो सकते हो, ऐसा सब देखने को मिलता है। और अब मैं बात करता हूँ साउथ वेस्ट के बारे में। साउथ वेस्ट हमारे रिलेशनशिप एंड स्किल्स का जोन है, ये इंस्टेबिलिटी है, लव है, यहाँ से हमें स्किल्स मिलती है, हमारी बाउंडिंग मिलती है, सपोर्ट रहता है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इम्बैलेंस होता है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, खासकर ये हमारे पितरों की जगह है। अगर हमारे पितर हिल जाते हैं या हमारा साउथ वेस्ट हिल जाता है तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। अगर साउथ वेस्ट बैलेंस रहता है तो साउथ वेस्ट जिस घर का बैलेंस रहता है उस घर के लोग हमेशा बैलेंस रहते हैं, उनकी हर कला हर चीज़ में वो आगे रहते हैं, ये साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट है। अगर यहाँ पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट आता है तो हमारी इंस्टेबिलिटी हिल जाती है, तो हमारे रिलेशनशिप हिल जाता है, रिलेशनशिप में आपस में झगड़े होने चालू जाते हैं, घर परिवार में झगड़े। और अगर यहाँ पे हरा कलर आ जाता है, ग्रीन कलर आता है, तो ग्रीन कलर क्या करता है, एयर है, एयर मतलब पेड़ पौधे, ये जमीन को फाड़ देते हैं, इसलिए कि अर्थ का जोन है। अगर यहाँ पे हरा कलर आएगा तो वो रिश्तों को तोड़ देगा, तो हरा कलर का काम होता है रिश्तों को तोड़ना। अगर ये यहाँ पे हरा कलर आएगा तो रिश्तों को खराब करेगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। और अगर यहाँ किचन भी आएगा तो रिश्तों में गर्माहट आएगी, आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पे अर्थ है इसलिए। और यहाँ पे येलो कलर अच्छा रहता है। अब मैं बात करता हूँ वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट ये एजुकेशन एंड सेविंग्स का जोन है, यहाँ से हम एजुकेशन देखते हैं, सेविंग्स हमारी बचत क्या है, हमारा एजुकेशन क्या है, हम पढ़ते कितना है, हमें याद कितना रहता है, ये बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। यहाँ बच्चों का बेडरूम बनाया जा सकता है, यहाँ से बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखते हैं, हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है यहाँ से हम पता करते हैं इसलिए। और यहाँ से हमारा सेविंग, अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो हमारा सेविंग्स नहीं होगा, बच्चे जो पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे, ये इसलिए कि टॉयलेट का काम क्या है, ड्रेन करना कोई भी चीज़, तो हम अगर कोई चीज़ पढ़ते तो दिमाग में आएगा नहीं, वो ड्रेन हो जाएगा, ये वेस्ट साउथ वेस्ट की वजह से होता है। अगर यहाँ पे किचन आएगी तो दिमाग में हमेशा गर्मी भरी रहेगी, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में पढ़ने में कुछ समझ नहीं आएगा और पैसे भी वेस्ट होते रहेंगे, ये वेस्ट साउथ वेस्ट के हैं। ये माँ सरस्वती का भी जोन है, यहाँ पे माँ सरस्वती का फोटो लगाया जा सकता है, मंदिर बनाया जा सकता है, यहाँ पे ये सब हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेस्ट के बारे में। वेस्ट प्रॉफिट एंड गेंस, ये हमारा एयर स्पेस एलिमेंट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेस है। स्पेस हमें क्या देता है, स्पेस हमें इच्छा पूर्ति और जो हमारे सुनने की शक्ति है वो स्पेस से आता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट प्रॉफिट एंड गेंस जो एक दूसरे को जोड़ता है, तो ये प्रॉफिट एंड गेंस, यहाँ से हमारी इच्छा पूर्ति होती है। वेस्ट में मंदिर भी होते हैं, बहुत अच्छे मंदिर होते हैं वेस्ट में, आप कहीं भी जाएंगे, जैसे
चर्च है, गोवा का चर्च है, साईं बाबा मंदिर है, ये जो बड़े बड़े मंदिर है अपना, ये गोल्डन टेम्पल, ये वेस्ट में ही बनाए गए हैं। वेस्ट में अगर मंदिर रहता है तो इच्छा की पूर्ति होती है। अगर वेस्ट में टॉयलेट आएगी तो प्रॉब्लम करेगी, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, जेल नहीं होंगे। और अगर वेस्ट में आप मंदिर लगाते हो तो अच्छा काम करेगा। पर वेस्ट में किचन भी अच्छी होती है, अगर वेस्ट में किचन है, अगर जोन बैलेंस है तो बहुत अच्छा काम वेस्ट में करता है। अब हम बात करते हैं WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये डिटॉक्सिफिकेशन एंड एंजाइटी का जोन है। अगर यहाँ पे आपका किचन है तो ऐसे लोग के घर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जो कुछ उनकी इच्छाएं रहती, इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि ये WNW एक कोप भवन का जगह है, क्योंकि यहाँ पे यक्षिणी की पूजा होती है तो यहाँ पे मंदिर नहीं हो सकते। और यहाँ पे अगर किसी का बेडरूम है तो ऐसे लोगों के घर में डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे जो सोएगा उनको डिप्रेशन होता है, थायराइड जैसी बीमारियाँ होती हैं। यहाँ पे अगर आप डिप्रेस्ड हो, टेंशन में हो, अगर 10 मिनट के लिए यहाँ बैठोगे तो आप खुद से एकदम रिलैक्स हो जाओगे। ये विश्वनाथ वेस्ट से मिलता है, तो यहाँ पे आप 10 मिनट बैठ सकते हो तो आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के। अब मैं बात करता हूँ नॉर्थ वेस्ट के बारे में। नॉर्थ वेस्ट ये बैंकिंग एंड सपोर्ट का जोन है, गवर्नमेंट का भी जोन है। अगर नॉर्थ वेस्ट बैलेंस है तो हमें सपोर्ट मिलता है हर तरफ से। जो हमारे ऑफिस के लोग हैं उनका सपोर्ट, हमारे बॉस का सपोर्ट, घर परिवार का सपोर्ट, रिलेशन में सपोर्ट, फ्रेंड से सपोर्ट, बैंक से सपोर्ट। अगर आपको बाहर जाना है, अगर कंट्री में जाना है तो वहाँ का भी सपोर्ट इस जोन से ही देखते हैं। अगर यहाँ पे इनबैलेंस है, नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है और आप अगर बैंकिंग का जॉब करते हो, बैंकिंग का बिजनेस है, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर यहाँ पे टॉयलेट रहेगा तो आपको सपोर्ट मिलेगी ही नहीं मिलेगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन आएगी तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ये देखने को मिलता है प्रॉब्लम कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता। पर अगर यहाँ पे भी अगर बैलेंस रहती है यहाँ, इसलिए कि किचन अग्नि है, अगर यहाँ पे हम बैलेंस करके रखते हैं तो सपोर्ट बराबर रहता है। अगर नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा हमें टॉयलेट ही प्रॉब्लम करती है और अगर यह जोन कम है तो हमें सपोर्ट नहीं मिलती। अगर यहाँ पे आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, जिस इंसान का सपोर्ट चाहिए, वहाँ यहाँ पर उसका फोटो लगाने से उसका सपोर्ट मिलता है, पर वह जोन बैलेंस होना चाहिए। ये नॉर्थ वेस्ट है। अब मैंने आपसे बात किया है 16 दिशाओं के बारे में, 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट, ये सब मैंने आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि जो हमारे ये पंच तत्व हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, मैं इसकी बारे में बात करूंगा अगली वीडियो में कि यह एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे एक दूसरे को पैदा करते हैं। मैं इसके बारे में आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार।